आपके दरमियान में आकर किस हक से वो आपके दरमियान में वोट मांगने आते हैं? किस हक से? ये लोग सिर्फ तनकीद करना चाहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, ये लोग काम करना नहीं जानते। मैं आपको बताता चलूं, परसों जैसे वाकया हुआ छोटा सा, नौ लोग की जान चले गई। हम लोग मल्लेपल्ली में अब्दुल सागर के ताल्लुक में, मैं माजिद हुसैन साहब दौड़ा कर रहे थे, जैसे वहां से अतल्ला मिली ये दौड़ा छोड़कर हमने फौरी वहां पर गया। वो बढ़ती हुई आग में घुस कर वहां के जियावों ने, वहां के हमारे सिपाहियों ने मिलकर वो लाशों को निकाला। वहां से निकालकर हमने उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गया, वो माचोरी में सामने ठहर कर माचोरी में जो नाक को दस्ती लगाते किसी ने हमारे जया में दस्ती तक नहीं लगा, वहां सामने बैठकर हमने वहां ओपो फसम कराया। फिर हमने मगरिब तक वो घर वालों के हवाले हमने वो लाशों को की। किसने की? वो आपका उम्मीदवार, मेरा भाई आपका बेटा माजिद हुसैन ने किया। तुमने क्या किया? तुमने वहां जाकर चंद मीडिया वाले सामने जब तक अपना गाना शुरू, अपना गिटार बजाना शुरू, बोलना शुरू, अरे कहीं मैयत हो गई उसमें सियासत तू कर रहा है, हम नहीं कर रहे, हम सियासत नहीं कर रहे, हम आवाम की खिदमत में रहते हैं। अरे कोई भी टाइम आओ किसी के घर में कुछ होता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है, तुम कमाते हैं, तुम अय्याशी करते हैं अपनी फार्म हाउस पर। हम वो नाम है दारुल सलाम के, अब हम गयूर लोग आपके दरमियान में रहते हैं, इसलिए आपके दरमियान एक पढ़ा लिखा नौजवान जो कोई भी वक्त कैसे भी हालात में आपके एक फोन कॉल पर आपके दरमियान में रह सकता है। कोई बंजर आइल, कोई फार्म हाउस में नहीं रहता है, यही कौन सी फसलांतर में रहते हैं। एक पढ़े लिखे नौजवान है तो आप अपना एक एक कीमती वोट सोच समझ कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में कीजिए। आपके दरमियान में आपको कोई मसाइल होती है, आप मेरे भाई यहां बैठे हुए, किसी को तिरुपति जाना होता है कौन लेटर देता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देती है। आप लोगों ने तिरुपति का लेटर नहीं ले गया, ले गया। सीएम का फंड होता है, सीएम रिलीफ फंड आपको आसानी से कौन मिलता है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सातों एमएलए मिलते हैं, मेरा सदर बैरसाफुद्दीन के साथ मिलता है। आप बताओ ये जलसे चल रहे मोटरसाइकिल पर एक दिन में पांच छह जलसे कर रही है, क्या जरूरत है? उनको बताना पड़ रहा है हम काम करते हैं। अरे लोग कह रहे हैं जब असद साहब लोगों के दरमियान में जा रहे हैं, असद साहब आप फिक्र मत करिए, आप क्यों बलबुआ है आप बताइए, तो हमारे असद साहब के अल्फाज है, मेरा काम है, मेरा फर्ज है आपके दरमियान में आऊं, आपके जरिए आपसे वोट पूछो। जैसे हमने आज जफर शाह ग्राउंड, भारत ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड में दौरा किया है, मेरी बुढ़ी माए इतनी दुआओं से नाराज रही थी मेरे सदर को कि सदर साहब आप हैं तो ये है, आपकी वजह से हैदराबाद का मुस्तकबिल सेफ है। तो बताओ आपकी नुमाइंदगी करने वाला, हमारी नुमाइंदगी करने वाला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरसाफुद्दीन अवैसी साहब। तो मैं आप अपनी बात खत्म करते हुए आप सबको ये बताता चलूं कि 30 तारीख के दिन आप अपने दोस्त अहबाब घर वाले रिश्तेदार सबको आपका एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब आप माजिद हुसैन साहब के हक में वोट देकर पतंग के निशान में पतंग दबा के कामयाब कर रही है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।